नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके लाया हूँ कोरोना से जुड़े सवाल और उनके जवाब, जिन्हें आपका जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, पहला सवाल है, यह वायरस लोगों में कैसे फैलता है? इसका आंसर आएगा जवाब, सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस जानवरों से होता है, वह इंसानों तक पहुंचा है। कोरोना वायरस पहले ऊंट, बिल्ली और चमगादड़ में मिलता था, लेकिन अब यह वायरस इंसानों में भी फैलने लगा है। कोरोना वायरस पीड़ित इंसानों के संपर्क में आने से फैलता है। कोरोना वायरस से पीड़ित शख्स अगर बात करता है या उसके मुंह से थूक निकलता है तो कोरोना वायरस का खतरा बढ़ जाता है ना। इतना ही नहीं, पीड़ित शख्स के थूक के ड्रेपलेट भी अगर सामने वाले तक पहुंचते हैं तो वायरस का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, अगर बीमार व्यक्ति का थूक किसी चीज पर गिरता है और आप उसके संपर्क में आते हैं तो वायरस फैलने का खतरा है। इसलिए साफ सफाई और हाथ हमेशा अच्छे से धोते रहें। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति छींकता भी है तो यह वायरस सामने वाले में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वायरस फैलने से पहले मास्क लगाना जरूरी है या नहीं? यह क्वेश्चन जवाब आया, इसका आंसर है, आमतौर पर मास्क लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में हैं तो मास्क जरूर लगाएं। वहीं जिन लोगों को बुखार है, कफ या सांस लेने में दिक्कत है तो उसे तुरंत मास्क दें और डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखें कि मास्क का कैसे इस्तेमाल करते हैं। मास्क को कभी भी सामने से ना छुएं। मास्क को फीते के सहारे पहने और निकालें। अगर सामने से मास्क को टच करते हैं तो हाथ तुरंत धो लें। तीसरा सवाल, चाइनीज फूड खाएं या ना खाएं? वीडियो को पूरा देखना है आपको। इसका जवाब है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। नूडल्स, मोमोज खाने से कोरोना वायरस नहीं फैलता है, इसलिए मन में यह भ्रम ना पालें कि चाइनीज फूड खाने से कोरोना वायरस फैलता है। अगर ऐसी जानकारी मिलती है तो यह महज अफवाह है और कुछ नहीं। चौथा क्वेश्चन है, क्या पालतू जानवरों से कोरोना वायरस फैलता है? जवाब, अभी तक ऐसा भी एक भी मामला सामने नहीं आया है। अगर आप कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बस यह ध्यान रखें कि जब भी उनके संपर्क में आए तो उसके बाद हाथ अच्छी तरह धो लें। पांचवा सवाल, क्या खांसी और छींक से भी यह वायरस फैलता है? जी हाँ, आमतौर पर ऐसा नहीं है, हालांकि अगर किसी को ज्यादा दिन से खांसी या छींक है या फिर अचानक अभी खांसी छींक शुरू है तो बिना देर किए डॉक्टर के संपर्क करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।